हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 एंड जेई 2018 का एग्जाम कब होगा, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे आप सभी स्टूडेंट को इस एग्जाम के लिए क्या करना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो पहले बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो चक्षु पब्लिकेशन या एग्जामपुर की बुक खरीद सकते हैं। पीटी का फुल सिलेबस इन दोनों बुक में दिया गया है, तो आपको 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर दोनों बुक देख भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 एंड जेई 2018 एग्जाम को लेकर बात कर लेते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एग्जाम इतने आसानी से नहीं होगा। आयोग पहले वीडियो भर्ती 2018 का एग्जाम कराएगा, इसके बाद जिन तीन भर्तियों की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उन भर्तियों की परीक्षाएँ कराई जाएंगी। जानकारी मिली है कि 20 जून के बाद वीडियो भर्ती 2018 का एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन जेई के एग्जाम में अभी टाइम लग सकता है। तो जेई 2016 एंड जेई 2018 एग्जाम डेट के लिए आप सभी स्टूडेंट को बड़ा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, लेकिन पंचायत चुनाव के पहले कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद महाधरना प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों के लिए स्टूडेंट को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। EWS के मैटर के लिए भी आप सभी स्टूडेंट को धरना प्रदर्शन करना पड़ा था, इसके बाद ही EWS के मैटर को सॉल्व किया गया था। इसलिए एग्जाम डेट के लिए भी आप सभी स्टूडेंट को महाधरना प्रदर्शन करना होगा। धरना से पहले आप सभी स्टूडेंट को ट्विटर अभियान भी चलाना होगा, तो सभी स्टूडेंट को ट्विटर अभियान भी चलाना होगा। जो स्टूडेंट ट्विटर अभियान के लिए तैयार है वो मुझे कमेंट में यस लिख सकते हैं। और जानकारी यही मिली है कि जेई का एग्जाम जुलाई अगस्त के महीने में कराया जा सकता है, इससे पहले होने की संभावना नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट को एकजुट होकर एक महाधरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आप देख ही रहे हैं इस एग्जाम को डिले किया जा रहा है, तो पंचायत चुनाव के बाद ही धरना प्रदर्शन हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।